राजस्थान में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार इतिहास बनाया है, 25 की 25 सीटें जीते हैं। हमारे साथ हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इस तरह भारी जीत का अनुमान क्या बीजेपी को था? मतलब लोग तो कह रहे थे कि कम से कम एक दो सीट तो कांग्रेस को आनी चाहिए, अभी अभी विधानसभा चुनाव जीती थी। ऐसा क्या क्यों हम लोग तो, आपने हम लोग किसी से भी जब पूछा तो 25 से नीचे किसी ने बताया आपको? क्या वजह रही, मतलब ऐसा लोग घर से निकले देने के लिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप और जो इनने विकास के काम करवाए हैं वो नीचे तक पहुंचा है। आपको याद होगा 7 जुलाई को जब हम लोगों ने लाभार्थियों की रैली रखी थी यहाँ, उस 3.5 लाख लोग जो आए थे वो सबके सब वैसे लोग थे जिनको कुछ ना कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी के काम से मिला था। और हम लोगों को तभी मालूम था इतने दिन पहले कि जब हमारे स्कीम्स, प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स नीचे तक पहुंच गए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत ही कुशल नेतृत्व था जो लगातार माने जमे रहे, तो हम लोगों को मालूम था कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, मैं राजस्थान का भ्रमण किया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री या हम लोगों के बीच में आए, क्वेश्चन ही नहीं था कि 25 की 25 नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे देश के हालात हैं, राहुल गांधी पिछड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गोंडा से पिछड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ बेटे वैभव गहलोत पिछड़ रहे हैं, मतलब एक तरफ से पूरे देश में एक जो ट्रेंड जा रहा है उसमें लगता है कि कांग्रेस के सारे जो दिग्गज हैं वो धाराशाही हो रहे हैं। राजस्थान की बात छोड़ दे, पूरे देश की देखो, ये जो राजस्थान के अंदर आप 25 के 25 देख रहे हो उसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में पूरे देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। मैं तो जो बात मैंने अभी आपको कही, प्रधानमंत्री जी का मैंने नीचे तक पहुंचना, उनका बहुत ही विजनरी लीडरशिप और उनका कुशल नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से कोई स्टेट ही नहीं बचा था जिसको उन्होंने टच नहीं किया था, जिसमें जाके उन लोगों ने नीचे तक पेनिट्रेशन नहीं किया था। मैं समझती हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद और कार्यकर्ता किस तरीके से जुटे थे, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ जुटे थे, ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? तो कांग्रेस के लिए बड़ी आगे की राह बेहद मुश्किल, वो आगे का देखेंगे। आज के दिन जो हम लोग चुनाव के रिजल्ट्स की जो अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है वसुंधरा राजे। बड़ा दिल रखते हुए आज कांग्रेस पर कोई हमला नहीं बोल रही है, कोई प्रहार नहीं कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है राजस्थान में जिस तरह से दूसरी बार 25 की 25 सीटें जीती है बीजेपी, पूरे राज्य में एक जश्न का माहौल है और कांग्रेस के लिए यहां से बेहद मुश्किल का सामना करने का वक्त आ रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।